नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। सीएम शिवराज सिंह के अवैध शराब पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग एक्शन मोड में आ गया है। सीएम के निर्देश के बाद प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते बुधवार को सुबह 4:30 बजे होशंगाबाद जिले के इटारसी में राजस्व अमला आबकारी विभाग सहित पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में आबकारी और पुलिस विभाग ने शहर के कई इलाकों से अवैध शराब बेचने वाले 12 लोगों पर कार्यवाही की है। कार्यवाही में करीब 1,40,000 रुपए की कच्ची शराब और शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जब्त की है। बुधवार को अल सुबह का करीब 4:30 बजे राजस्व आबकारी व पुलिस अमले संयुक्त रूप से मिलकर कच्ची शराब बेचने वालों पर कार्यवाही की है। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में शहर के बालाजी मंदिर आसफाबाद सुरजगनज गरीबी लाइन नाला मोहल्ला के करीब 1.5 दर्जन ठिकानों पर छापामार कार्यवाही कर 1,40,000 रुपए की कच्ची शराब और शराब बनाने प्रयुक्त होने वाली सामग्री जब्त की है। इसके साथ ही 12 लोगों पर प्रकरण दर्ज किए हैं। कार्यवाही के दौरान एसटीओपी महेंद्र मालवीय थाना प्रभारी राम स्नेही चौहान आबकारी उप निरीक्षक राजेश साहू सहित सिटी थाने का बल व आबकारी अमला मौजूद रहा। आज हमने सुबह 5 बजे से राजस्व पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने शहर इटारसी में जो कच्ची शराब लोग बनाते हैं विशेष रूप से नाला मोहल्ला बालाजी मंदिर न्यास कॉलोनी नई गरीबी लाइन इन एरियाज में जो है दबिश दी और 140 लीटर कच्ची शराब 2400 किलो लाहन ये हमने जब्त किया है और 12 लोगों के साथ प्रकरण तैयार किए। इससे जो जब्त की हुई शराब है उसकी कीमत लगभग 1,40,000 के आसपास। अभी लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी। अभी पिछले 15 दिन से ये तीसरी चौथी कार्रवाई है हमारी। पुलिस और आबकारी विभाग और आयस विभाग लगातार ये कार्रवाई कर रहा है भूमाफियाओं के खिलाफ और शराब माफिया ड्रग्स माफिया। सर आज शहर में कच्ची शराब को लेकर सर्विस टीम ने क्या कार्रवाई की है? जैसे कि आप बोल रहे थे जिले भर में अवैध मदिरा के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज आबकारी विभाग पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा एसडीएम महोदय के नेतृत्व में सुबह 5 बजे से इटारसी शहर के चिन्हित स्थलों गरीबी लाइन सूरजगंज नाला मोहल्ला बालाजी मंदिर झुग्गी झोपड़ी न्यास क्षेत्र में सर्चिंग कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई लगभग 3 घंटे चली और इस कार्रवाई में कुल 12 प्रकरण कायम किए गए। 2400 किलोग्राम महुआ लाल टीम द्वारा जब्त किए गए। 140 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जब्त की गई और इसकी सामग्री और शराब की जो कीमत है अनुमानित कीमत लगभग 1,40,000 रुपये आती है और उक्त अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर सड़क रूप से आगे जारी रहेगी।